नमस्कार, टेक लगा आंगनवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पोषण अभियान 2023 में क्यों लोग 50 से 100 एंट्री आंख बंद करके किए जा रहे हैं, इस विषय पर बात करेंगे। पोषण अभियान पोषण माह 2023 जो ऑनलाइन एंट्री लोग कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि ये एंट्री क्यों की जा रही है, बस वो किए जा रहे हैं एक दिन में 10-10, 50-50 और यहाँ तक कि 100-100। आइए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें और हर जगह शेयर कर दें, ताकि सभी सेविकाओं तक ये बात पहुँच सके और वो ये जान सकें कि आखिर हम पोषण अभियान पर ये डाटा एंट्री क्यों करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोषण अभियान, आप सभी को पता होगा, पोषण अभियान एक राष्ट्रीय पोषण मिशन है। पोषण अभियान भारत में एक महत्वपूर्ण पहल है जो सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से शारीरिक और आकलनीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण को मजबूत बनाने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने। पोषण अभियान भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी गर्भवती महिलाएं और बच्चे सही से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। यह अभियान समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन को सुधारता है और परिवार के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। इसके लक्ष्य में शामिल है शिशु पोषण, किशोर पोषण, गर्भवती महिला पोषण, योग्य मातृ शिक्षा और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना। इस अभियान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो है हर विषय में जागरूकता फैलाना होता है। अब हम बात करेंगे कि डाटा एंट्री का महत्व क्या है। डाटा एंट्री का महत्व इसकी सही और संगठित सूचना प्रबंधन प्रणाली के विकास में है। यह स्वास्थ्य विभागों को वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके लिए डाटा एंट्री ज़रूरी है ताकि सुरक्षित तरीके से डाटा संग्रहित किया जा सके और निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सके। पोषण अभियान में डाटा एंट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। डाटा एंट्री लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है जिससे विश्लेषण और प्रबंधन को सुगम बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत संगठनों को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को मापने और गतिविधि का मूल्यांकन करने की सुविधा मिलती है। डाटा एंट्री द्वारा सुरक्षित डेटा उपयोगी निर्णय लेने में मदद करता है और कार्यक्रम की सफलता की गुणवत्ता को मापता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच गई होगी कि डाटा एंट्री क्यों महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 50 से 100 डाटा एंट्री करें, आप 2 से लेकर 4 से लेकर 6 तक की डाटा एंट्री ज़रूर कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से गतिविधि पर आपने जो है एंट्री की है। एंट्री करने का मतलब है कि आपने उस गतिविधि को अपने केंद्र पर कराया और उस विषय में लोगों को जागरूकता दी। और डाटा एंट्री करते वक्त जो हम फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो उस फोटो का बहुत महत्व होता है। उस फोटो जो फ़ोटो होती है हमारी, वो या सुनिश्चित करती है कि आपने डाटा एंट्री कराई। वो एक प्रमाण के रूप में होती है कि आपने ये कार्यक्रम कराया, ये गतिविधि कराई, तो इसलिए आप फ़ोटो भी अपलोड करते हैं डाटा एंट्री करते समय। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।